नमस्कार दोस्तों, परमजीत सिंह कैली हब्स आयुर्वेदा से आज आपके सामने एक बार फिर। दोस्तों आज मैं हूँ गांव सदाड़ा रादौर ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर हरियाणा से, जो है हम ये वीडियो लाइव शूट कर रहे हैं और ये गन्ने की फसल आप देख रहे हैं मेरे पीछे। तो फसल देखने में रंगत जो है आपके सामने है कैसी है, और किसान जो है वो मेरे साथ हैं। उससे पहले मैं ये बता दूँ कि ये वो प्रोग्रेसिव फार्मर है जो अपनी खेती को, गन्ने की खेती को या किसी भी खेती को, जो मैं कह सकता हूँ क्योंकि मेरी जितनी बार इनसे मुलाकात हुई है, बहुत डीप जो है नॉलेज रखते हैं और बहुत गहराई में जाके जो है अपनी फसल के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, और फसल को जो है हम कैसे अपनी फसल को हम बचा सकते हैं। तो अच्छी जो है मुझे लगा है कि हाँ, वाकई में हमारे इस तरह के किसान जो हैं वो होने चाहिए अगर हम लोगों को प्रोग्रेस करनी है, तरक्की करनी है। तो मैं आपको किसान से मिलवाता हूँ। भाई साहब क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संदीप है। संदीप जी थोड़ा सा ना तेज़ आवाज़ रखना ताकि आवाज़ सबको क्लियर रहे। सर मेरा नाम संदीप है, गांव मेरा संदाला डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर। आपका मोबाइल नंबर क्या है? 8601-22-0003। ठीक है। तो आपसे मेरी मुलाकात जो हुई थी करीब 1.5 महीना पहले हुई थी। हाँ जी सर, 1.5-2 महीना। अनिल संधु आपके मित्र हैं जठाणे से, क्योंकि वो रेगुलर यूज़ कर रहे हैं और पूरे 90 के 90 एकड़ में वो यूज़ कर रहे हैं जी। तो जब उन्होंने आपको इसके बारे में बताया था, मेरे से जब आपकी पहली मुलाकात हुई और मैंने आपको कैली हब्स के बारे में बताया, तो उस टाइम जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, आपका फेथ लेवल क्या था, अभी उस लेवल पे काम करेगा हमारा प्रोडक्ट या नहीं? देखिए शुरू में किसी को नहीं यकीन होता जी जी, तो लेकिन संधु साहब जैसे वो भी बहुत अच्छी खेती करते हैं जी जी, बहुत बढ़िया, जिसको मतलब टॉप लेवल पर कह सकते हैं जी जी। तो मैंने उनके कहने के बाद ये सोचा भाई कुछ ना कुछ तो दम होगा, ऐसे तो बंदा वो हाँ। बात नहीं कर रहा था वो मैं। ठीक है। तो फिर मेरी आपसे मुलाकात हुई जी जी। तो जो चीज़ आपने दी और जैसे बनाने के लिए मेरे को बोला हाँ जी, तो मैंने वैसे ही किया। ठीक है। और आपके सामने ही आया गन्ना, मतलब इसमें स्प्रे किए, 3 स्प्रे हैं मेरे अभी तक हुए। जब आपने पहला स्प्रे किया उस गोल का, काया क्लच का जी, तो उस गोल का स्प्रे करने के बाद कितने दिन के बाद जो है हमें चेंज नज़र आया अपनी फसल में? करीब 8-10 दिन के बाद मैं मतलब महसूस होने लगा था कि कुछ है दम जी जी जी। तो रंग भी बदल गया फसल का। हाँ जी। तो उसके बाद 10-15 दिन बाद फिर मैंने एक स्प्रे कर दिया। ठीक है। अभी 10 दिन पहले फिर एक स्प्रे हुआ है इसमें। ठीक है, मतलब इस गन्ने में 3 स्प्रे आप निकाल चुके हो। ठीक है। तो आज की डेट में जो है गन्ने की रंगत ओके है? ओके है जी। पैदावार भी सही है? बिल्कुल है जी। ठीक है। और एक बात और है जो हमारा किसान सबसे ज़्यादा, जिसका हमारा फोकस रहता है कि हम यूरिया के ऊपर, जैसे भी हमें लगता है भी हर बार दो एक कट्टा यूरिया लो और छिंटा मारो। सही है जी। तो आपने इसमें यूरिया जो है कितना दिया अब तक? सर शुरू में जब आपसे मुलाकात हुई नहीं थी, मतलब एक फेद लेवल पे थी। ठीक है। तो मेरे इसमें वो आया था शुरू में जो कंसवा बोलते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो दोनों खेत हैं जी, इन दोनों में ही आया था। तो मैंने इसमें सिजेंटा उड़ो की वर्ट को गिर दी। ठीक है। तो उसके बाद वो बीमारी तो रुक गई जी। तो फिर मैंने आपका ये प्रोडक्ट जो था इसको मतलब स्प्रे में यूज करना चालू किया। ठीक है। लेकिन उस दवाई ने अपना काम किया, उसने सिर्फ कीड़े का किया जी। लेकिन जो पौधे का चाहिए न्यूट्रिशन बोल दो या इसको खुराक चाहिए जी, जी, वो शायद उसकी वजह से, गोल की वजह से बिल्कुल ठीक। तो जैसे आपने एक बैग डाल दिया था पहले यूरिया का, उसके बाद कितना? 2-3 किलो या 4 किलो, हद 5 किलो मतलब स्प्रे में। मतलब उसके बाद जो आपने यूरिया दिया वो स्प्रे में ही दिया है? जब भी आपने गोल का स्प्रे किया जी, गन्ने की पोजीशन के अकॉर्डिंग आपने उसमें यूरिया यूज किया। तो क्या अब हमें लगता है कि इसको यूरिया की जरूरत है, नाइट्रोजन की जरूरत है? यूरिया तो बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों मेरा कहने का मकसद ये है कि हम जो एक बैग एक बार में यूरिया डालते हैं, उसका जो अल्टरनेट है, आप गोल का स्प्रे, काया क्लच का आप स्प्रे बनाइए, गोल बनाइए, और उस गोल का जब भी आप स्प्रे करो गन्ने की पोजीशन के अनुसार जो है उसमें आप 3 किलो से शुरू कर सकते हो, 5 और 6 केजी तक जो है आप यूरिया को ले जा सकते हो। वो सारी चीज़ें उसमें देखनी पड़ेंगी आपको कि टेम्परेचर जो है वो कितना है और गन्ना जो है हमारी वो किस ग्रोथ पे है, उसके अकॉर्डिंग आपने जो है उसमें यूरिया लेकर के यूज़ करना है। और अगर आप उसमें कहीं कन्फ्यूज़ हैं, आपको कोई चीज़ क्लियर करनी है, तो आप उसके लिए जो है मुझे पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो अब जैसे इस बार मतलब पहली बार ही आपने इसको यूज़ किया है,
तो ओवरऑल की अगर मैं बात करूं, क्या महसूस कर रहे हैं आपके सर, इन फ्यूचर क्या रहेगा? इन फ्यूचर की भी पहले मैं अभी की बात बोलता हूं सर, एट प्रेजेंट हम पहले जैसे देखा कि गन्ने का रंग हल्का हा पीला हुआ जी, तो दुकानदार के पास गए, कभी तो बोलता जिंक गेर दो, कभी सल्फर, हम ये नहीं बताता था कि ये फसल में लग भी रहा या नहीं, हम तो खन्ना पूर्ति करना है के पीछे लगे रहते थे। अब पैसा कितना लगा वो हमने नहीं पता, हमने तो बाद में हिसाब करना था जी। लेकिन हम गेर कैसे थे कि भाई सेटिस्फाइड हो रहे, बाकी ये नहीं पता था कि लगा या ना लगा। लेकिन ये चीज़ जो आपके माध्यम से हमें मिली, आपने जो तैयार की, तो इससे तो मुझे लगता है कि ये सारी मिली है इसको। बिल्कुल है, बिल्कुल है। इनका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे प्लांट को जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो उसमें कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, बोरोन चाहिए, मोलिब्डेनम चाहिए, आयरन चाहिए, सल्फर चाहिए, जितने भी न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को चाहिए, तो वो हमने जो है नेचुरल वे में काया कलश के माध्यम से नेचुरल वे में अपने प्लांट को दे दिया। और वो देने का साफ रिजल्ट है, साफ नजर आता है पौधा, पौधे की हेल्थ बता रही है कि हाँ मुझे जो है न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल रहा है। और तो अगर मैं बात करूँ कि और जो हम जैसे फंगीसाइड और जो पेस्टिसाइड, उसमें भी कुछ कटौती हुई है जी? देखो इसमें फंगस तो है ही नहीं, पहले हम फंगस की भी मिलाते थे, फंगस की उसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, उस घोल में जी वो तो ऑलरेडी उसमें मतलब फंगस की ही दवाई है वो जी, जी जी। तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि हमें कोई फंगीसाइड की जरूरत है। लगभग ये मान के चलूँ कि 50% पेस्टिसाइड सारी चीजें आ गई, जी जी जी, फंगीसाइड भी आ गया जी जी, 50% रिड्यूस हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हुआ। ठीक है, और जो है आगे जैसे हमारी और अच्छा एक चीज़ और भी है, जैसे आप अच्छे प्रोग्रेसिव फार्मर हैं तो आपके अड़ोसी पड़ोसी जो है आपको फॉलो करते हैं जी, क्या किसी ने आपकी फसल को देख के भी कुछ कोई इसके ऊपर कोई कमेंट किया है कि यार क्या यूज़ किया है? कल की बात है, कल मेरा वो रिश्ते में लगता है जी, और वैसे भी मतलब अच्छा किसान है जी, राजेश नाम है उनका, वो स्पेशल खेत में आया था जी, कल करीब करीब 6 बजे वो यही बोल रहा था कि भाई आपकी जो फसल है, हाँ जी, आपकी फसल में चमक अलग रहती है, औरों की फसलों से जी, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो अच्छी है नेचुरल जो ग्रीनरी है जी, वो है। तो इसी के साथ शुक्रिया, धन्यवाद। एक एक पॉइंट मैं और इस टाइम पे कहूँगा, क्योंकि ये जो गन्ना है ये 38 गन्ना है, 238 वैरायटी है, 238 जो है ये वैरायटी है, और इस समय जो है मैं काफ़ी फील्ड में देख चुका हूँ, इनकी फील्ड में तो वो चैलेंज मात्र 1% ही है, लेकिन ज़्यादातर फील्ड में मैं देख रहा हूँ कि शूट बोरर की समस्या जो है 238 में काफ़ी है। तो आप लोग भी जो है अपने गन्ने को ज़रूर देखें, और अगर आपको कोई ऐसा चैलेंज लगे तो आप उसका जो भी आप निवारण करना चाहें उसको आप करें, या उसमें अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए, मेरी कोई मदद चाहिए, तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।